Hey guys, मैं दीप्ति आपका क्विक रेसिपी फोल्डर चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आप व्रत में भी खा सकते हैं, एज अ इवनिंग स्नैक्स भी खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी का नाम है पनीर मखाने गुलगुले। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कितनी कितनी देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो आइए, पनीर मखाने गुलगुले बनाने के लिए हमने यहाँ प्रिपरेशन बाउल में सबसे पहले ये मखाने लिए हैं जिन्हें हमने ऑलरेडी रोस्टेड करके मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहेगी। अब हम इसमें स्मैश्ड आलू डालेंगे जो कि हमने कुछ दो स्मॉल साइज आलू लिए हैं और वो हमने इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून राजगिरी का आटा ऐड करेंगे। व्रत में हम राजगिरी का आटा, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा यूज़ करते हैं। आप कोई भी आटा इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हमने इसमें एक हरी मिर्च ऐड की है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक की जो कंसिस्टेंसी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने हमारे सारे इंग्रेडिएंट प्रिपरेशन बाउल में ले लिए हैं, हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो मिक्सचर है ये प्रॉपरली मिक्स हो चुका है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि ये जो मिक्सचर है इसमें मॉइस्चर की जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा है, तो आप जो आटा यूज़ कर रहे हैं वो इसमें 1-2 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर प्रॉपरली मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल या घी अपने हाथ में ग्रीस करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने हमारे बैटर के छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हमारा जो ऑयल है वो प्रॉपरली हीट हो चुका है। अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमारे ये जो बॉल्स हैं इनको डीप फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे गुलगुलों में ये सुनहरा रंग आ गया है। इसी तरीके से हम हमारे सारे गुलगुले डीप फ्राई कर लेंगे।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पनीर मखाने गुलगुले की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप ही अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरीके की क्विक रेसिपीज़ के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल क्विक रेसिपी फोल्डर। थैंक यू, कीप वॉचिंग।